ना यहाँ बनेगा ना वहां बनेगा, कहीं नहीं बनेगा, ये मैंने आपको बोल दिया। ये रह जाएंगे इतनी नीचे बनने लगेगा, आप स्टे लगवा दोगे ऊपर बनने लगा, ये स्टे लगवा दोगे और स्टे लग गया तो खत्म होगी कहानी। और मुझे पता है इन कामों पे स्टे लग जाते हैं, स्टे लग जाएगा किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये मेरी बात सुन लेना। अगर आप लोगों ने काम करवाने हैं तो सलाह मशवरे से पहले अपनी सलाह कर लेना, फिर उसके बाद मैं फाइल मूव करूंगा। मैं ना ये फाइल मूव करूंगा ना वो करूंगा, पहले आप लोग कर लो सलाह। जब तक आप सलाह नहीं करोगे मैं हॉस्पिटल की किसी की भी फाइल अप्रूव नहीं होने दूंगा। मैं फाइल लगवाऊंगा नीचे वाले हॉस्पिटल की, मल्हार की, लोहे की, वो करूंगा मैं। आपका वाला मैं रख देता हूँ पेंडिंग। मैंने सोचा था कि आपकी फाइल लेके जाऊंगा बात करूंगा, लेकिन आपका मैंने देख लिया मसला खराब है, ठीक है। और इसी मसले पे आप लोग का नहीं बनने दोगे हॉस्पिटल, इधर वाले भी नहीं बनने देंगे, उधर वाले भी। सुनो बैठ जाओ। मैं देख ली फाइल, मैंने देख ली ऐसी ऐसी फाइल एक और बनी हुई है जो सीएमओ ऑफिस पहुंच गई है, ठीक है, बैठ जाओ। अपने पास रखनी है, ठीक है। इसीलिए पहले आप सारे लोग जितने हैं पूरे इस पंचायत के लोग बैठ के सलाह कर लो क्या करते, फिर मुझे बता देना कि आप लोगों का फाइनल डिसीजन क्या है। मैंने आप लोगों की मर्जी से चलना है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं चलना, ना मेरे ये सगे ना मेरे आप सगे, मेरे लिए आप सग भी सगे। मैंने बस चलाई है यहाँ पे तो एक आदमी के लिए या एक पंचायत के लिए नहीं चलाई, मैंने सारी लोहे मिलाकर के लिए चलाई है। उसमें कोई एक आदमी एक जाति का आदमी नहीं बैठेगा, सभी बैठेंगे। आपने कॉलेज की बात की, वो आपके बोलने से पहले मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से वो फॉरवर्ड करवा ली है, वो उसका लेटर भी मैंने नेट पे डाल दिया, वो पहुंच गया है। आपके एसडीएम को बिठाने के लिए वो भी मैंने उमर साहब के साथ, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बात करके उसका भी आर्डर साइन करवा के वो भी मैंने नेट पे डाल दिया, वो आप देख सकते हो। ये दो काम आपके मैंने करवा दिए। बस आपकी लग गई है, पीएमजी एस वालों को बोल दिया है कि रोड खुला करो ताकि वो बस जो आपके मल्हार तक पहुंचे। पीडब्ल्यूडी वालों को बोल दिया ये वाला रोड भी खुला करो ताकि आपके बस यहाँ पे पहुंच सके, लेकिन आप मुझे काम ही नहीं करने दोगे मैं क्या करूंगा। मसला तो ये है ना, देखो बनती सुनो सुनो, मैं मुझे आपके मसले में सच बोलूं, मुझे आपके झगड़े में नहीं पड़ना है। आपके जहाँ पे झगड़ा होगा मैं उस पंचायत से निकल के कहीं और काम करूँ, ठीक है। मैंने करवाने हैं काम, मैं नहीं चाहता कि मैं इसी के बीच में बैठ के अपने 2-4 महीने वेस्ट कर दूं, इससे अच्छा मैं कहीं और कुछ काम करूँ। आप नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, मैं किसी और को दे दूंगा हॉस्पिटल। तो वैसे बड़े सारे बेचारे तरफ रहे हैं, वो गोटू फुलाल बोला सुदरते वाले तरफ रहे हैं, मेरे बनी के लोग तरफ रहे हैं, मैं उनको दे देता हूँ जाके। आपका जब मसला हल होगा मुझे बता देना, उसके बाद करेंगे काम हम सारे मिलकर, लेकिन पहले आप अपना मसला हल करें, ठीक है। आपके हाई सेकेंडरी स्कूल का मसला है, आपके टीचर का स्टाफ का मसला है, ये हमने कल मीटिंग में पुट ऑफ किया था, लेकिन वो वहाँ पे अभी शॉर्टेज है बड़ी, उसके लिए नई पोस्टें निकलवानी पड़ेगी, नई एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, उसी हिसाब से चलेगा। कल से आपका वीडियो यहाँ बैठ जाएगा, कल वीडियो साहब यहाँ पे आ रहे हैं, वो यहाँ पे बैठेंगे। जितने भी अफसर हैं जे वीडियो भी है उनके पास, 2-2, 3-3 चार्ज है और भी एरिया के, इसलिए उन्होंने वो एरिया भी देखने हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि 15 दिन मैं यहाँ पे बैठूंगा, आपके वीडियो यहाँ 15 दिन आपको मिलेंगे। तहसीलदार साहब आपके मशेदी में बैठ गए हैं, अब तहसील का भी मसला आपका, वो मसला ही पहले का खड़ा किया हुआ लीडरों ने, सारे लीडर पहले के पंगे बना के मेरे सिर पे डाल के चले गए, अब वो तहसीलदार साहब को पहले के मशेदी में बैठा के चले गए हैं, अब मैं उनको अभी से हिलाने शुरू करूंगा तो मेरे मुर्दाबाद के जुलूस निकाल देंगे वो। इसलिए फिलहाल मुझे काम करने दो, जो जहाँ पे है पहले मैं उनको उस जगह पे तो पहुंचाऊं, फिर आगे पीछे हिलाना होगा तो फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं, फिलहाल काम चले, ठीक है। पहले काम चलना चाहिए, जो इतने सालों से 10-15 सालों से काम रुके हैं वो पहले चले तो सही, जब चलने शुरू हो जाएंगे फिर उनको देख लेंगे उनको कहाँ लेके जाना है, ठीक है। कॉलेज की बिल्डिंग का भी मैंने दे दिया, वो देखो जब आएगा फिर उसके बाद हम सारे बैठ के, और कॉलेज जो होगा वो लोहे मलाड़ के लिए होगा, मलाड़ से लेके गोडू फुलाल के सभी लोगों के लिए होगा, और वो सेंटर पॉइंट देखा जाएगा गोडू फुलाल से लेके मलाड़ तक कौन सा सेंटर पॉइंट बनता है, उसको देख के आप सभी लोगों से सलाह करके सेंटर पॉइंट देख के वहां से आप सभी लोगों से सलाह करके, बंद कमरे में नहीं, मेरा काम करने का तरीका यही है, मैं लोगों के बीच में बैठ के काम करता हूँ, आपके सामने फोन किए आपके सामने बात की, आगे भी काम ऐसे ही होगा। मुझे मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे सपोर्ट करो, सहयोग दो अपना, अगर आप तरक्की करवाना चाहते हो अपने इलाके की, अगर नहीं करवाना चाहते हो तो इन मसले में पढ़ना चाहते हो तो मैं इन मसलों में नहीं आऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके बीच में बैठ के पंचायत लगाऊं पेंचिया करूं तो वो मैंने नहीं करनी है, वो आप लोग करो, पेंचिया आप खुद करो अपनी, मुझे फाइनल बता देना कि ये काम है ये करवाना है फिर मैं करवाऊंगा। आप बोलोगे आके हमारी पेंचिया करवा हमारी लड़ाइयां खत्म करवा हमारी सलाह करवा तो वो मेरा काम नहीं है,
ये आप लोगों ने देखना है, और हम लोग इसी चक्कर में रह गए, इसी चक्कर में हमारे काम नहीं हुए। आपकी तहसील यहाँ से मशेटी क्यों चले गई? क्योंकि आपके लोहाई मलार वालों का मसला नहीं हल हुआ, क्योंकि ये आप लोगों की वजह से आपकी तहसील वहां शिफ्ट होगी। आपके दफ्तर उठ के बिलावर क्यों चले गए? क्योंकि आपकी सलाह नहीं बनती है। आगे अभी भी यही चल रहा है, यही चलता रहा तो फिर आगे फिर नहीं होगा, फिर गलती किसकी है? आप लोगों की है। ये पैंची खड़पैंची बंद करो। देखो जनाब, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आप सभी लोग यहीं के रहने वाले हो, चाहे लोहाई का है, चाहे मल्हार का है, चाहे नलेऊ का है इसी इलाके के ना, कोई अंग्रेज तो नहीं है। अगर कोई दूसरा आपके मोहल्ले का कुछ खा लेगा तो आपको उससे क्या है? आपको खुशी होनी चाहिए, हाँ यार चलो मुझे नहीं मिला तो इसको मिल गया, तो मुझे कल आज नहीं मिला तो कल मुझे मिल जाएगा। लेकिन आप बोलते हो मुझे नहीं मिला तो इसको भी नहीं मिले, आपका मसला ये है। आप कहते हो अच्छा मेरे तक नहीं पहुंचा तो देखता हूँ इसके तक कैसे पहुंचता, मैंने स्टे लगा देना, इसके भी नहीं पहुंचे। जब उसके नहीं पहुंचे तो उसके नहीं पहुंचने से आपको क्या फायदा हुआ? उसको तो नहीं हुआ लेकिन आपको क्या फायदा हुआ? या तो उसका रोक के आपको कुछ फायदा हो गया हो तो रोको, फायदा आपको भी नहीं हुआ और उसको भी नहीं होने दिया। लेकिन कम से कम उसका होने दिया होता तो एक मसला हल हो गया होता, तो अगली बार आपका पहले नंबर पे होता, अगली बार आप अपना करवा लेते। लेकिन वो दोनों मसले अड़े हैं, पहला वाला भी असला है, दूसरा वाला वो जिसका रोका है, कल को आपका होने लगेगा, वो पहले वाला बोलेगा अच्छा इसने मेरा रुकाया था, मैं इसका रुकाऊंगा। ये जीत खत्म ही नहीं होनी, ये चूहे बिल्लियों वाला खेल खत्म नहीं होना। इस चीज के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ये लोहाई मल्हार इलाका पहले से खत्म हो चुका है, और मत खत्म करो। हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप लोगों का इलाका है, मत बर्बाद करो इसको। बड़ा अच्छा इलाका है, बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत बनाने की कोशिश करो। जो भी बनेगा, जहां का जिसका ही बनेगा, बनेगा लोहाई मल्हार का ही ना। जहां पे भी जिस मोहल्ले की भी तरक्की होगी, जिस मोहल्ले में भी बनेगा, बनेगा तो लोहाई मल्हार के बीच में ही ना। पंचायत तो आपकी है ना, कोई दिल्ली में तो नहीं ना बना। बनने दो, मैं आपको बोल रहा हूँ, कहीं पे भी बन रहा है बनने दो, आप लोगों का ही फायदा है, ये बात याद रखो। आज आपको अगर एक आदमी को आज नहीं मिला तो अगर वो दान कर देता है, चल यार आज तू खा ले, चार दिन बाद, दस दिन बाद, महीने बाद, एक साल बाद हो सकता है उससे डबल उसको कुछ और मिल जाए। लेकिन आप काम ही नहीं निकलने दे रहे हो, आप काम ही फंसा रहे हो। काम करने कैसे है? आप कारण करें, आप एक दो काम मेरे फंसा दोगे तो तीसरी बार मैं काम ही नहीं लाऊंगा यहाँ पे। मैं बोलूंगा यहाँ पैसा क्यों कलैप्स करवाना है, मैंने यहाँ पे इतनी मेहनत करना है, एक काम को अप्रूव करवाने के लिए जूते घस जाते हैं, दौड़ दौड़ के हालत खराब हो जाती है। आपको लगता है ये काम बड़ी आसानी से आ जाए, मुझे पूछो कैसे आता है? मिनिस्टरों के पास दौड़ना पड़ता है, सेक्रेटरियों के पास दौड़ना पड़ता है, जेटियों के पास, डायरेक्टरों के पास, इन सब के पास जा जाके हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पोंग घिसने पड़ते हैं, वो प्लांट में रखाना पड़ता है, पैसा लाना पड़ता है, इतनी मेहनत करके आता है, लास्ट में आके वो पंगा डाल के खत्म कर जाते हो, लास्ट में वो खत्म हो गया, पैसा फंसा रहा वहीं पे। और जब मुझे पता चला यहाँ पे पैसा फंस जाता है तो मैं अगली बार पैसा यहाँ क्यों फंसाऊंगा, मैं कहीं और लगवाऊं जिनको जरूरत है, जो कदर करें उस पैसे की, जो उस पैसे से कुछ बनाना चाहते हैं। अब आप लोग ठंडे दिमाग से सोच लो, अपनी पर्सनल जिद्दें छोड़ दो, पर्सनल रंजिशें खत्म करो। अगर आप सच में ईमानदार हो अपने इलाके के लिए तो ये आपको चीजें साइड पे रखनी होंगी। अगर आप पर्सनल जिद्दें देख रहे हो तो आप इलाके के लिए ईमानदार नहीं है। हिसाब बात, जो आप इलाके के लिए ईमानदार होता है वो अपने के लिए सैक्रीफाई कर देता है, बड़ी सारी चीजें सैक्रीफाई कर सकता है। अगर मैं इलाके के लिए ईमानदार था तो मैंने अपनी नौकरी सैक्रीफाई की। अगर आप भी अपने इलाके के लिए ईमानदार हो तो अपनी पर्सनल जिद्दें छोड़ो, बोलो ठीक है यार मैं इलाके के लिए कुर्बानी दूंगा, मजा वो है ना। आप बोलते हो नहीं मैं पर्सनल जिद्दों के चक्कर में अपने इलाके की बलि लगा दूंगा, लेकिन अपना पर्सनल जिद नहीं छोड़ूंगा। मेरा इलाका पहाड़ में जाता है चला जाए, मेरा इलाका तबाह होता है हो जाए, लेकिन मैं पर्सनल जिद नहीं छोड़ूंगा। क्या फायदा इस चीज का? मिलके चलो हम एक नई चीज ला, नया रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बदले सिस्टम, जो इतने सालों से पड़ा हुआ वो चीज सिस्टम बदले, जो आज तक इतना चीजें रुकी हैं वो निकलें, आहिस्ता आहिस्ता करके निकलें वो चीजें। लेकिन आपने वो ये जो सरकार बनी है ये आप लोगों के लिए काम करने वाली सरकार बनी है। थोड़े दिनों के अंदर अंदर देखो कितने कितने बड़े फैसले हो गए। और आज मैंने न्यूज में सुना कि उमर साहब जो है डेली वेजर को परमानेंट कर रहे हैं, हफ्ते दस दिन में परमानेंट हो सकता है, परमानेंट का ऑर्डर आ जाए आप लोगों का, विंटर सेशन चेंज कर दिया आप लोगों का।
कितने काम अभी कितने दिनों छोटे से टाइम के अंदर अंदर काम हो रहे हैं, लेकिन ऊपर से आएगा, नीचे ही नीचे वाले बंद कर देंगे, उमर साहब भी बोलेंगे यार छोड़ यार, अगली बार मैं उमर साहब के पास आपके लोहे मिला के कोई फाइल लेके जाऊंगा, वो बोलेंगे यार इसको साइड पे कर, ये लोग नहीं बनने देते, और कोई काम बता, खत्म हो गया। इसलिए हाथ जोड़ के गुजारिश है आप सभी लोग इलाके की तरक्की के लिए काम करो, पर्सनल जीते शायद भी छोड़ो। आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, मुझे इलेक्शन जिताने वाले आप लोग हो, और इलेक्शन में आपने मिलके एकता करके दिखा दिया कि हम सारे एक हैं, सिर्फ वोट डालने के लिए एक है, इलाके की तरक्की के लिए बात आएगी तब आप एक नहीं है। अगर वोट डालने में आप सभी एक हो सकते हो, जिताने में एक हो सकते हो, तो इलाके की तरक्की में एक क्यों नहीं हो सकते। मुझे जिताने का मतलब था इलाके की तरक्की करवाना, अगर आपने इलाके की तरक्की करवानी नहीं थी फिर एक होके वोट क्यों डाला, फिर डालना ही नहीं था। मैंने वोट इसलिए थोड़ा ना मांगा था कि मुझे मेरा कुर्सी पे बैठ के गोल गोल घूमना है, जब कुर्सी पे बैठ के नजारे लेने हैं। मैं पहले ही बोलता रहा इलेक्शन में कि मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं कि मैंने इलाके के काम करवाने, और वो उसीलिए होंगे कि आप सारे एक होंगे। और अगर आप ईमानदारी से आपने मुझे जताया, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के आपने मुझे जताया, और आप अपने इलाके से प्यार करते हो, तो ये मसले छोड़ दो, मैं आपके लिए शाना शाना खड़ा हूं। जहां आप एक एक पैसे का काम मांगोगे मैं आपको 10 रुपए का काम लाके दूंगा, लेकिन लाके तभी दूंगा जब आप सारे मुझे मसले में फंसने नहीं दोगे। एक बोलेगा नहीं जी वो वैसा है, जब मेरे कान में ये चीजें पड़ती है मैं बिल्कुल साइड हो जाऊंगा, मैं किसी के साइड नहीं लूंगा, ना मैं आपकी लूंगा, ना इनकी लूंगा, ना उनकी लूंगा, मैं किसी की नहीं लूंगा। सारे एक हो जाओ, एक होके अपने इलाके की तरक्की के लिए करो। हम बड़ा कुछ करना चाहते हैं, मेरे दिल में बड़ा शौक है करने का, काम करने का बड़ा शौक है। आपको बेस्ट सर्विस दी, कॉलेज के लिए दौड़ रहे हैं हम, SDM के लिए दौड़ रहे हैं, तहसीलदार आपका आज वहां पे बैठा हुआ है, तहसीलदार आ गया, BDO आपका यहाँ पे आ गया, सारे हम काम करवा रहे हैं, लेकिन मुझे काम करने दो यार, आप मत करो ऐसे, टांगे मत खींचो। मेरा मन टूट गया ना एक बार काम करने का, तो फिर आप जितना मर्जी कर लेना, फिर नहीं बनेगी बात। मैं चाहता हूँ आप लोग बोल रहे नहीं यार आप करो काम, हम आपके साथ हैं। मजा तो वो आपकी इधर लड़ाइयाँ देख के मैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख के, फिर मुझे ऐसे लग रहा कि यार मैंने जीत के करना क्या आप लोगों का, ये पैंचियां और खड़पैंचियां करनी है, समझ रहे हो मेरी बात, आप मेरे छोटे भाई हो, मैं आपके लिए हूँ, समझ गया, आपके इलाके के लिए हूँ, आपके लिए नहीं आपके इलाके के लिए हूँ, आप भी अपने इलाके के लिए कुछ करके जाओ, समझ गए। छोड़ो सारी जीतें, जो सरपंचों की, पंचों की, खड़पंचों की जो जीते हैं वो इलेक्शन के टाइम निकाल लेंगे। छोड़ो मुझे छोड़ो, फिर वही बात, देखो इन्होंने वो काम किया, अगली बार इलेक्शन में इनको हरा देना, खत्म करो काम, ठीक है। अगर इन अच्छे किए होंगे ये जीत जाएंगे, पानी का जो मसला था ना हल हो जाएगा, AW साहब आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने AW साहब को बोल दिया वो 3 दिन के बाद आएंगे, इंक्वायरी करेंगे। स्टे लगा ना, वो लगा स्टे, इन्होंने सर जो FIR अभी आप रिसर्च में चेक कर सकते हो, ये बोलते हैं मैं स्टे नहीं लगाए हैं, और पाइपें तोड़वाई हैं वो भी हमारे पास पूरा पड़ा है वीडियो। कोई बात नहीं, मैं मेरी बात सुनो, AW साहब आएंगे, स्टे नहीं लगाए हैं, फिर वो देखो पानी भी आएगा, पाइपें भी लगेंगी, सब काम करेंगे हम लोग, ठीक है। काम होगा क्यों नहीं होगा, जो काम में अड़चन डालने की कोशिश करेगा, वो काम में अड़चन डालने की कोशिश करेगा, मैं बैठूंगा, मैं देखूंगा उस चीज को, मैं देखूंगा ना, कोई बात नहीं, कोई भी होगा, अगर काम के बीच में कोई अड़चन डालने की कोशिश कर रहा है मैं बोलूंगा मैं बैठा हूँ यहाँ, लेकिन एक बात है आप भी अड़चन डालने की कोशिश करूंगा फिर तब भी मैं हूं यहाँ पे। ये नहीं सोचना कि अगर मैं इनके खिलाफ एक्शन ले रहा हूं तो आपके खिलाफ नहीं ले रहा, काम के बीच में कोई अड़चन मत डालना, सीधी सी बात है। तो अब रात बड़ी हो गई है, अब चलते हैं अपने अपने घर, नींद भी लगी है, ठंड भी लगी है, अगली बार मैं यहाँ पे आऊंगा तो मेरे को उम्मीद है कि ये सारी चीजें मुझे देखने को नहीं मिली, हाँ ठीक है। उसके लिए पूरे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 टावर जो है वो मैंने रखवाए हैं, जो इनके मिनिस्टर है उन्होंने है, लेकिन ये है कि आपको टावर जरूर मिलेगा, ये मैंने बात की है, जैसे ही इसका मसला हल होता है आपको टावर मिल जाए। मैंने कहा ये काम करो ना, ये बताओ मुझे क्या चाहिए, ये मजा आता है। बैंक का मसला हमारा बिल्कुल, 2 बैंक के लिए मैंने उधर दिया हुआ है, एक लोहांग के लिए, एक लोहे मलार के लिए, J&K बैंक भी दे, ठीक है। ऐसी बातें करो ताकि मुझे मैं भागू आपके लिए, दौड़ू आपके लिए, काम करूं, ये मजा है। इस चीज के लिए जितना मर्जी बोलो इसमें खुशी होती है। और जो आप बैंक और एक रोड का मसला, ये दो मसले, रोड के मसले के लिए मैंने आपको अभी फोन कर दिया, PMGS के और PWD के एक्शन को, ये हो गया। और ये बैंक का जो है और टावर का जो है ये मैंने वहाँ पे दे दिया हुआ है, अब देखो होता कब, और जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश, ठीक है। शुक्रिया।